इसमें हमें पढ़ना क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, दो पदार्थ ले लेते हैं या दो से अधिक पदार्थों को लिया जाता है और उनको मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद क्या होता है, तो ये बन जाता है विलयन। अब आप पाएंगे कि इस विलयन में होता क्या है, ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड, ये विलयन बन जाता है, या भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये विलयन बन जाएगा, क्योंकि दोनों सॉलिड होने पर ये समान मिश्रण नहीं होता, बनता है। समान मिश्रण का मतलब यह है कि इन दोनों को मिला देने पर, इसमें देखने पर ये पहला और दूसरा जो पदार्थ है उसमें दिखाई नहीं देता है कि कौन कहाँ है, तो उसे हम कहते हैं समान मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब डेफिनेशन देखें तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या होगा, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स या सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं, और इसमें विलयन में क्या होगा, यह सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये सॉल्यूशन, दो कंडीशन बनते हैं इसमें। इसमें ये क्या होता है, एक को हम इसमें दो घटक होते हैं, जिसे एक को सॉल्यूट कहते हैं और दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं, ये विलेय और विलायक। अब कौन विलेय होता है, कौन विलायक होता है, तो सॉल्यूट के डेफिनेशन देखें क्या हो जाएगी, तो वे पदार्थ जिनकी मात्रा विलयन में कम होती है, वे पदार्थ जिनकी मात्रा विलयन में कम होती है या जिसे घोलते हैं, तो उसे सॉल्यूट विलेय कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, तो वे पदार्थ जिनकी विलयन में मात्रा अधिक होती है या जिसमें घोलते हैं, तो उसे विलायक कहते हैं, और विलेय और विलायक के होमोजीनियस मिक्सचर को यानी समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो ये था आपका विलयन। कंसंट्रेशन सांद्रता, सांद्रता क्या होता है, जैसे हम कहते हैं क्या, एग्जांपल देखें, 5 ग्राम पर लीटर 6% 2 मोल पर लीटर। इसमें आप देखेंगे कि विलयन का एक निश्चित आयतन प्रयोग किया जाता है, जैसे 5 ग्राम कितना है, 1 लीटर, 6% यानी 6 ग्राम विलेय किसमें है, 100 ग्राम में, 2 मोल विलेय पदार्थ किसमें है, 1 लीटर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन की, सांद्रता की। तो किसी विलयन के निश्चित आयतन में, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, और विलयन की सांद्रता को निम्न पदों द्वारा दर्शित किया जाता है। पहला इसमें देखें क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। दूसरा क्या होता है, मोलरिटी, मोलरिटी जिसको हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, और नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी यह हो जाएगा नॉर्मलिटी। और उसके बाद अगला देखें क्या हो जाएगा, यहां से आता है मोलरिटी, मोलरता, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और यहां से आप देखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज प्रतिशत मात्रा, और एक टॉपिक और होता है ppm, पार्ट पर मिलियन।
तो सांगता को व्यक्त करने वाली पद है कौन कौन ग्राम प्रति लीटर सांद्रता मोलरता नॉर्मलता मोललता मोल प्रभाज प्रतिशत मात्रा और पार्ट पर मिलियन पीपीएम। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता नाम से ही स्पष्ट है ग्राम प्रति लीटर अर्थात एक लीटर बिलियन बिलियन का आयतन कितना हो वन लीटर हो एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों में मात्रा को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों में मात्रा को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। और ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर फार्मूला क्या होता है देखें यहाँ सो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपान हो जाएगा यहां से देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यह बराबर कितना हो जाएगा तो डब्ल्यू अपान भी होता है डब्ल्यू ग्राम में रहता है और भी क्या लीटर में यहां सो जाएगा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और यह बराबर हो जाएगा W अपान V ये फार्मूला प्राप्त होता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। मोलरता क्या होता है तो सबसे पहले हम देखें मोल समझे मोल किसको कहते हैं कोई भी यौगिक होता है उसका एक मोल कितना होता है तो जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है मोलर मास जितना होता है उसी को हम कहते हैं एक उतने ग्राम को एक मोल कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें वन मोल H2O यह बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो हाइड्रोजन का 2 और ये 16 यह हो जाएगा 18 तो 18 ग्राम H2O को हम क्या कहेंगे एक मोल कहते हैं। इसी तरह से देखें अगर एक मोल NH2 है NH2 CO NH2 यूरिया तो इसे बराबर कितना हो जाएगा यहां से आप देखेंगे क्या होता है एक मोल यूरिया बराबर क्या होगा इसका जब निकालते हैं तो यहां पर आ जाता है 60 ग्राम यूरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं एक मोल कहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ग्राम को क्या कहते हैं मोल और आप देखें इसी को हम क्या अब यहाँ पर देखें मोलरता की परिभाषा देंगे मोलरिटी क्या होती है तो कहेंगे एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरिटी अर्थात मोलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा यहां से फार्मूला देखें क्या होता है इसको लिखते हैं नंबर ऑफ मोल आप सॉल्यूट हो जाएगा अपान हो जाएगा वॉल्यूम आप यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन ये हो जाएगा मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और आगे हम इसको बढ़ाने ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल इसको हम लिख सकते हैं एन अपान वी और आगे बढ़े एन क्या होता है भार बटे अनुभार बटे भी अर्थात इसको हम सॉल्व कर सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम इंटू वन अपान भी ये प्राप्त होता है। मोलरिटी को करते क्या है इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। तो एक बार और डिफिनेशन देखें क्या कहेंगे एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं और इसे यम से कैपिटल यम से
प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मोल पर मीटर होता है। और ये मोलरिटी बराबर कितना होता है, तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू 1 अपॉन वी। जहां स्मॉल डब्ल्यू क्या है, यहां डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, यह हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और एम बराबर क्या हो जाएगा, यहां सो जाएगा मोलर मास, मास ऑफ हो जाएगा सॉल्यूट। और भी क्या है, तो भी बराबर हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था आपका मोलरिटी। अगला टर्म देखें हमारा है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। तो अभी आपने मोल पढ़ा था, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या क्या होती है, एन होता है, और यह भार बटे अणुभार के बराबर होता है। अब इसमें एक नया टर्म आता है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, ये निकालना अभी आगे बताया जाएगा। अब आप यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से क्या होता है, इसमें नॉर्मलिटी की डिफिनेशन क्या होती है। तो एक लीटर सोल्यूशन होगा, एक लीटर सोल्यूशन होगा, और उसमें कितने तुल्यांकी ग्राम, तुल्यांकों की संख्या है उसमें घुला है, यही नॉर्मलिटी कहलाती है। डिफिनेशन देखें क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मलिटी। अर्थात 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अर्थात यह नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से देखें यह W इक्वल टू हो जाएगा, यहां से नंबर ऑफ, अब यहां से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा W अपॉन E हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा V। अब सॉल्व करें देखें, एक बात और ध्यान दें, नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। इसको हम लिख सकते हैं N इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन E इनटू 1 अपॉन V। ये फार्मूला होता है, जब W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा, और V क्या होगा, लीटर में होगा। ये फार्मूला हम यूज करते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब इसके बाद यहां से देखें, इफ वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इन इन लीटर, या सॉरी यहां देखें, इफ वॉल्यूम भी इन एमएल, अगर एमएल में दिया है तो उस समय हम क्या करते हैं, देखें इसको हम चेंज कर लेंगे, यहां से हो जाएगा एन बराबर डब्ल्यू अपॉन ई इंटू 1 अपॉन वी। एमएल में है, एमएल में है, उसको हम क्या करते हैं, लीटर में बदल देते हैं, या ऊपर आ जाता है 1000 W अपान हो जाता है E और इंटू भी हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा फार्मूला बन जाता है एन ई भी इक्वल टू 1000 W। और इस फार्मूला नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला है, जहां एन क्या है, विलयन की नॉर्मलता है, ई क्या है, यहां से देखें ई बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हो जाएगा ठीक। और भी क्या है, यहां पर भी हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें दिया है, एमएल में। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या है, यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट।
तो ये था आपका, अगर लीटर में तेल फार्मूला यूज करेंगे, अगर ml में दिया है तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले से लगा सकते हैं NaV = 1000 W, प्रतिशत मात्रा या प्रतिशतता कहते हैं, में 100 विलयन के 100 भाग में जितना भाग विलेय पदार्थ होता है तो उसे हम परसेंटेज या प्रतिशत मात्रा कहते हैं। तो ये था आपका परसेंटेज, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। और इसमें दो केस आते हैं, एक अकॉर्डिंग वेट के अनुसार और एक अकॉर्डिंग वॉल्यूम के अनुसार। एक को बोलते हैं W/W और W/V। तो चला पहला हम इसको पढ़ेंगे, वेट बाई वेट क्या होता है। 100 ग्राम विलयन में जितना ग्राम विलेय पदार्थ होता है तो उसे विलयन की प्रतिशत मात्रा कहते हैं, और वो भी बाई वेट कहते हैं इसको। यानी 100 ग्राम विलयन में जितना ग्राम विलेय पदार्थ होता है तो उसे हम प्रतिशत मात्रा, वेट के अनुभार के अनुसार प्रतिशत मात्रा कहते हैं। अब आप देखें यहाँ परसेंटेज ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं W/W, और यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट ये किस में होगा, ग्राम में। आयापान क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में होगा, ग्राम में, और इनटू हो जाएगा 100। ये है पहला फार्मूला, यानी दोनों ग्राम में होंगे, विलयन का भार भी ग्राम में, विलेय का भार भी ग्राम में। इससे हम निकाल देते हैं प्रतिशत मात्रा, और ये भार अनुसार है, यानी वेट के अकॉर्डिंग परसेंटेज है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखें क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है। 100 ml विलयन में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे हम प्रतिशत मात्रा, यानी आयतन के अनुसार प्रतिशत मात्रा कहते हैं। 100 ml विलयन में विलेय की जितनी ग्राम मात्रा उपस्थित होती है तो उसे आयतन अनुसार प्रतिशत मात्रा कहते हैं। अब आप देखें दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज, और ये क्या है, W/V, या बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ये किस में होगा, ग्राम में, आयापान हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में होगा, ml में, और इनटू हो जाता है 100। ये फार्मूला प्राप्त होता है, इसे कहते हैं आयतन के अनुसार प्रतिशत मात्रा। क्वेश्चन नंबर 1, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन, मोलरिटी एवं नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटी नोट करते हैं, यहाँ W बराबर क्या ग्राम दिया गया है, 4 ग्राम। भी बराबर कितना है, 250 ml, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 250/1000 अर्थात 1/4 क्या हो जाएगा लीटर, या भी बराबर लिख सकते हैं 0.25 लीटर। और भार m बराबर देखें इसका कितना होगा, तो 23, 16 और 1, यानी सब मिलकर कितना हो जाता है 40। तुल्यांकी भार भी बराबर हो जाएगा 40/1 = 40। सभी क्वांटिटी प्राप्त हो गए, अब चले सॉल्व करें। पहला आता है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर कितना होता है, यह हो जाएगा W/V, यहाँ से हो जाएगा 4/1/4, ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा 16 ग्राम प्रति लीटर। अब उसके बाद दूसरा देखें क्या हो जाएगा, मोलरिटी, मोलरिटी बराबर क्या होता है, तो W/N × 1/V वैल्यू रख दें, 4/40 × 1/1/4 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया 10 हो गया,
ये ऊपर चला जाएगा 4 upon 10 अर्थात 0.4 या हो जाएगा मोल पर लीटर या ये बराबर लिख सकते हैं 0.4 कितना कैपिटल या लिख सकते हैं इसको। अब आ जाइए नॉर्मलिटी देखें तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है तो W/E × 1/V वैल्यू रखें 4/40 × 1/1/4 तो यहाँ हो जाएगा 0.4 ग्राम EQ इक्विवेलेंट पर लीटर या लिख सकते हैं 0.4 या लिख सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें N/10 आर जैलिक एसिड का 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ऑक्सैलिक अम्ल की आवश्यकता पड़ेगी। तो गिवन क्वांटिटी पहले देखें W का मान पूछ रहा है कितना जरूरत पड़ेगी। आयतन भी बराबर कितना है तो 250 ml अर्थात 0.25 L हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल बराबर कितना होता है तो इसका निकालते हैं तो आता है 126 और तुल्यांकी भारी बराबर होता है 126/2 यानी 63 हो जाएगा। सभी क्वांटिटी है निकालना क्या है तो W का मान और नॉर्मलिटी दे दिया गया है N बराबर कितना दिया गया है 1/10 N/10 का मतलब 1/10। अब आप देखेंगे यहां से होता क्या है ये तथा नॉर्मलिटी यहां से आप देखेंगे इसमें करते क्या है तो फार्मूला एक बताए थे कि NEV = कितना होता है 1000 W तो W बराबर क्या हो जाएगा NEV/1000 मान रख जाए तो N का मान कितना है 1/10 E का मान कितना 63 V का मान कितना है तो 50/1000 हो जाएगा। एक कट जाएगा सीधे 4 राउंड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मतलब 63/40 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे 0.5755 ग्राम आ जाएगा अतः यहाँ से W बराबर 1.575 ग्राम आंसर आ जाएगा। कितना ग्राम घोलेंगे यानी 250 ml बिलियन जो है N/10 आग जैविक अम्ल बनाने के लिए 1.575 ग्राम आग जैविक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 0.2 m H2SO4 के 200 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता पड़ेगी। यहां से आप देखेंगे कि होता क्या है इसमें गिवन क्वांटिटी नोट करते हैं। कभी कभी प्रश्न में यहां पर देखें ये मान ना दे करके मोलर दे देता है मोलर किसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन क्या होता है तो 1 m को हम कहते हैं मोलर कहेंगे मोलर सॉल्यूशन। M/10 को क्या कहते हैं या हो जाएगा डेसी मोलर बोलते हैं मोलर बोलेंगे और M/100 को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं सेंटी मोलर बोलते हैं। इसी तरह से नॉर्मलता में क्या हो जाएगा तो अगर 1 m है तो नॉर्मल सॉल्यूशन N/10 है तो डेसी नॉर्मल बोलते हैं और N/100 है तो उसे सेंटी नॉर्मल कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है लेकिन इस प्रश्न में यहां पर आप देखें क्या दिया गया है तो ये हो जाएगा गिवन क्वांटिटी स्मॉल W बराबर कितना होता है निकालना है और N बराबर दे दिया गया है N मोलरिटी दे दी गई है M बराबर 0.2 दिया गया है और उसके बाद यहाँ से M बराबर कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 98 होता है
और वी इक्वल टू दिया है 200 एमएल अर्थात 0.2 लीटर। अब सॉल्व करें, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से मोलरिटी बराबर होता है मोलरिटी इक्वल टू होता है क्या, तो डब्लू अपान एम इनटू 1 अपान वी, मान रख जाए तो 0.2 इक्वल टू डब्लू निकालना है ये 98 है इनटू 1 अपान वी ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से डब्लू बराबर कितना हो जाएगा 0.2 इनटू 0.2 और इनटू हो जाएगा 98। यहां से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, W बराबर हो जाएगा 3.92 ग्राम हो जाएगा। तो ये था, इतने ग्राम को घोलना पड़ेगा 200 ml बियर बनाने के लिए, जबकि उसकी नॉर्मलिटी कितनी दी गई है 0.2। एक क्वेश्चन नंबर 4, निम्न सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए। यहां से आप देखें, जब भी मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज करना होता है तो डिस्प्लेस आयन की हमें जरूरत पड़ती है, और ये डिस्प्लेस आयन क्या होता है, तो धनायन या ऋणायन की संख्या या संयोजकता होती है। तो चलें अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, या 3MH2SO4 इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 3 इनटू डिस्प्लेस आयन कितना हो जाएगा 2, और यहां से NH2SO4 अर्थात लिख सकते हैं 6NH2SO4 हो जाएगा। दूसरा देखें, इसमें डिस्प्लेस आयन कितना होगा, एक H आयन बनता है तो डिस्प्लेस आयन 1 होगा, यहां से क्या लिख सकते हैं 0.2 इनटू 1 एन और एच सी एल इक्वल टू हो जाएगा 0.2 एन एच सी एल। इसका मतलब यह है कि जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन होते हैं अर्थात विस्थापित आयनों की संख्या एक होती है, तो उस विलयन की मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसमें आप देखें, इसमें भी एक डिस्प्लेस आयन होता है, इसको लिख सकते हैं 0.5 × 1 एन और यह हो जाएगा HNO3 और यह इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 AN HNO3। इसमें भी अब इसके बाद ये देखें, ये दोनों आक्सी कारक है, तो आक्सी कारक में क्या होता है ONC निकालते हैं, और अम्लीय माध्यम में इसमें ONC का मान 5 होता है, इसलिए जब भी मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना होता है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा 0.02 × 5 AN और यह हो जाएगा KMNO4 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 0.1 AN या इसी को लिख सकते हैं N by कितना 10 या हो जाएगा KMNO4। अब आइए इसमें देखें, इसमें डिस्प्लेस आयन कितना होता है K2Cl2O7 K2 के ONC का मान 6 होता है, ONC का मान 6 होता है, यहां पर क्या करेंगे 0.02 × 6 हो जाएगा AN और यहां से हो जाएगा K2Cl2O7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0. हो जाएगा यहां से 0.12 AN K2Cl2O7 क्लियर। इस तरह से जहां भी मोलरिटी दी गई है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे यहां से देखें AM बाई अगर 10 दे दिया है H3PO4 तो इसको अगर हम चेंज करना है तो इसमें डिस्प्लेस आयन 3 होता है, यहां से हो जाएगा 3N / 10 हो जाएगा, यहां से H3PO4 हो जाएगा।
यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n अपॉन 10 H3PO4। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न सॉल्यूशन की ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम फार्मूला देखें होता क्या है। तो ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन या बराबर होता है मोलरिटी इनटू मोलर मास, मोलर मास हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से देखें ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। ये होता है यानी मोलरता में मोलर मास से गुणा कर दें और नॉर्मलता में तुल्यांकी भार से गुणा कर दें तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हो जाती है। अब सॉल्व करें, चला देखें तो 3mH2S4 या बराबर कितना हो जाएगा, 3m की जगह पर 98 मल्टीप्लाई कर देंगे या बराबर हो जाएगा 294 ग्राम पर लीटर। अब आइए इसमें 2NH3 देखें यह बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 है और n का मतलब क्या तुल्यांकी भार, तो नाइट्रिक अम्ल का कितना होता है 63, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। यहाँ क्या दिया गया है, m दिया मोलरता और भार से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 × यहाँ से 36.5 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे यह हो जाएगा 18.25 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। अब केवल 4 आगे देखिए, इसका तुल्यांकी भार कितना होता है, तो ये नॉर्मलिटी है तुल्यांकी भार से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हो जाएगा 31.6/10 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 × यहाँ से हो जाएगा, अब इस साल कर लेंगे यह हो जाएगा 3.16 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जैविक अम्ल का देखें ये क्या होता है, कि यहाँ से नॉर्मलिटी दी गई है 0.5 हो जाएगा 5 × 63 और साल कर लेंगे तो साल करने पर आ जाएगा आपका 31.5 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो ये था आपका, इसका मतलब जब भी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में बदलना हो तो मोलरता दी गई है तो मोलर मास से, नॉर्मलता दी गई है तुल्यांकी भार से, मल्टीप्लाई कर दीजिए ग्राम प्रति लीटर सांद्रता प्राप्त हो जाती है।